हाय स्टूडेंट्स, वी थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी स्टूडेंट से बातचीत चल रही थी। वो हमसे कहते हैं कि सर IPM 2023 की डेट्स क्या होने वाली हैं, और उसी दौरान हमें ये समझ आया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अज्यूम कर लिया है कि 21 और 22 की तरह IPM 2023 की डेट्स भी जुलाई में होने वाली है। पर ये एक अजम्पशन आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। सो स्टिक टू द एंड, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IPM 2023 की एग्जैक्ट डेट्स होने क्या वाली है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा पर्पस ये नहीं था कि आपको एग्जैक्ट डेट बताएं। वो तो आपको तब पता लगेगी जब जिस दिन IIM इंदौर की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसलिए है कि अगर आप अज्यूम कर लेते हैं कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है तो आपकी प्रिपरेशंस 2 मंथ डिले हो जाएंगी। इस साल बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर 2 महीने पहले प्रीपोन्ड हो जाए। 3 बड़े रीजंस उसके पीछे ये हैं कि 21 एंड 22 कोविड हिट ईयर्स थे, और क्योंकि कोविड हिट ईयर्स थे तो मई और जून में ये एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि IIM इंदौर यूजुअली सारे बोर्ड्स के कंप्लीट होने का वेट करता है, उसके बाद अपना एग्जाम शेड्यूल करता है, और 2021 एंड 22 में खासकर CBSE बोर्ड्स काफी डिले हो गए थे, और CBSE बोर्ड जैसे ही खत्म हुए उसके बाद IIM इंदौर ने अपनी डेट्स रिलीज करी जो कि जुलाई में थी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, हम एक बार चेक कर रहे थे 2017, 18 एंड 19 के डेट्स को, और ये देखा कि IIM इंदौर हमेशा इन द सेकेंड वीक ऑफ मई ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता आया है। सो बहुत बड़े चांसेस हैं, देर आर हैवी चांसेस कि इस साल भी इन द ईयर 2023 दिस एग्जाम इज गोइंग टू हैपन इन द सेकेंड वीक ऑफ मई और इन द थर्ड वीक ऑफ मई। और क्योंकि लास्ट ईयर जिपमैट इंट्रोड्यूस हुआ और वो यूजुअली अपनी डेट्स को IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर के आसपास ही रखता है, तो इन द सेम वीक जिपमैट विल फॉल इनटू द प्लेस। IPM रोहतक की अगर बात की जाए तो वो भी उसी वीक में या वीक बिफोर शेड्यूल होगा इस साल। सो हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि इस साल ये अज्यूम करके मत चलिए कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है, इट्स गोइंग टू हैपन मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मई, और अगर होता है तो आपकी प्रिपरेशंस उसी हिसाब से कंप्लीट हो जानी चाहिए।